हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू व्लॉग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है हमारी गर्मा गर्म चाय से, तो अब पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय। तो मैंने चाय पी ली है, अब आया हूँ मैं बाहर। तो हमारी एक गाय है, वो आज ब्याई है, अब आपको दिखाता हूँ। तो ये गाय है, ये ब्याई है, इसके बछड़ा हुआ है, देख सकते हो आप। तो गाय को हमेशा उम्मीद होती है, तो आज मैं दूंगा, आप देखें। तो गाय का मैंने दूध निकाल लिया है। तो गाय बहुत ही सही सिंपल सादी है, और इसके इतने पांच थन है, और किसी के ये लात वगैरह नहीं मारती है, पांचों में भी दूध आता है। तो निकाल लिया है दूध इसका आज, तो देख सकते हैं आप, ये देखो हमारी गाय है, बहुत ही प्यारी प्यारी गाय, बहुत ही सादी सिंपल गाय है। देखो जोता है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये हमारी गोल गाय माता। तो गाय का दूध निकाल लिया है, तो अभी करें है इसको गरम। ये गरम होगा तब तक मैं जाके नहा के आ जाता हूँ। तो मैंने स्नान कर ली है, और दूध जो गरम किया था वो गरम हो चुका है। तो पहली बार जो इसका दूध होता है गाय का, वो जम जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इस दूध को जमा हुआ है, इसको हमारी भाषा में बड़ी बोलते हैं। तो मैं खाता हूँ बड़ी। मम्मी है जो इसको पकड़ के बैठी है बछड़े को, ये दूध निकाल नहीं दे रहा मेरे को। अभी मैं निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी दूध। तो इस गाय को हमने दो लिया है, तो अब इस गाय की बारी है। इस गाय को मम्मी ही दोती है, और कोई नहीं दोता। अब मम्मी इस गाय को दोएगी। तो गाय का दूध निकाल लिया है, और इसको हमने अंदर लाके बांध दिया है रस्सी से। अब इसको निकालेंगे हम सुबह बाहर वापिस। इसको हम घर के अंदर ही बांध के रखते हैं अभी। तो दोनों गायों का दूध निकाल लिया है, दोनों गायों के दूध को अलग अलग रख दिया है। अब इनको गर्म करेंगे, दोनों को अलग अलग गर्म करेंगे। तो गायों को अभी सूखा चारा ही डालते हैं, तो उसको भी सूखा चारा डाला है, उस गाय को भी सूखा चारा ही डाला है। अभी हरा चारा हुआ नहीं है, तभी इसलिए सूखा चारा डाला है दोनों को।
तो अभी मम्मी बना रही है बाजरे की रोटी और आज सब्जी बनी है प्याज की। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आप व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।